हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। और अगर आप TRE 4 एग्जाम देने जा रहे हैं या आपने TRE 3 का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आज बात करूंगी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है और किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक वे में रखना है, जिससे कि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट्स के कारण बाहर ना निकाल दिया जाए। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो बात चल रही है डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा आपका। जो बच्चे चाह रहे हैं, जो TRE 3 का एग्जाम देकर आए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो वो आपके फाइनल रिजल्ट से पहले हो। क्योंकि सही बात है, जब नौकरी मिल जाती है, नौकरी मिलने के बाद नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो वहां पर बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी आ जाती है बच्चों के अंदर। तो यहाँ पर यही बात मांग है सरकार से कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो हो जाए वो एक फाइनल रिजल्ट आउट होने से पहले हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आ जाती है डोमिसाइल को लेकर, कि जो बिहार स्टेट के बच्चे हैं उनके पास जो डोमिसाइल है, तो वाकई में उस डोमिसाइल का उनको एक बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे कि अदर स्टेट है, यूपी स्टेट हो गया या कोई अदर स्टेट हो गया, वहां पर अगर डोमिसाइल लागू करा जाता है तो जो वहां के पर्टिकुलर स्टेट के बच्चे होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको डोमिसाइल का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर क्या था कि डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो बिहार के बच्चे यही एक चाह रहे हैं कि उनको भी डोमिसाइल का बेनिफिट मिले, जिससे कि अदर स्टेट्स वाले हैं वो अपना एज अ जनरल इसमें काउंट होते रहे। तो यहाँ पर एक धरना चल रहा है और धरना आपका जो 9 सितंबर को एक धरना टाइप का होगा बच्चे करेंगे, जो कि डोमिसाइल को लागू करने के लिए ही मांग है उसमें। अब उस धरने के बाद ये पता चलेगा कि ये डोमिसाइल लागू होगा भी कि नहीं होगा। तो यहाँ पर बात यही है इन कैंडिडेट्स की कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, और इसका जो डिसीजन है ये तो गवर्नमेंट ही लेती है। अब गवर्नमेंट क्या लेती है डिसीजन ये नहीं पता, पर अगर आपके पास डोमिसाइल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो प्रॉपर वे में डोमिसाइल को बनवाइएगा। मतलब एक फर्जी तरीके से डोमिसाइल को मत बनवाइएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तरीके से वो पता लगा लेते हैं कि ये फर्जी डोमिसाइल है कि एक रियल में डोमिसाइल है। तो अगर आप डोमिसाइल का बेनिफिट लेना चाहते हैं, एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली वेरीफाई कराना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ ना हो, तो सबसे पहली बात आपको देखनी है कि डोमिसाइल आपके पास जो है वो आपका ऑथेंटिक डोमिसाइल हो, जिससे कि आपका जब अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो तो डोमिसाइल की वजह से आपको बाहर ना कर दिया जाए। कि डोमिसाइल अगर आपने गलत तरीके से लगाया होगा तो वो निकाल ही देंगे, अदरवाइज लगाइए ही मत, है ना। तो यहाँ पर आपको पहला जो डॉक्यूमेंट है जो सही तरीके से आपको बनाना है या बना चुके हैं तो ऑथेंटिक हो, जो कि डोमिसाइल हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या आपका बाकी कोई भी सर्टिफिकेट आपने लगाया है, जैसे कि OBC सर्टिफिकेट हो गया, या आपका EWS सर्टिफिकेट हो गया, या आपका बैकवर्ड क्लास शेड्यूल ट्राइब SC ST वाला जो सर्टिफिकेट हो गया, तो कोई, या आपका जो फिजिकली हैंडीकैप वाले होते, दिव्यांग लोग होते हैं, उनका सर्टिफिकेट हो गया, तो कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो कि आपने अपना लगाया हो अपने एग्जाम के समय, या आप उसको दिखाएंगे, तो हर चीज की आपके पास सबसे पहली बात है ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। ओरिजिनल कॉपी होगी जिससे कि उनको देखने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप डुप्लीकेट लेके जाएंगे तो वो मान्य नहीं होती है। तो हर एक चीज की ओरिजिनल कॉपी प्लस आपकी ऑथेंटिक, कोई भी अगर आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो फर्जी सर्टिफिकेट ना हो, आपका ओरिजिनल ऑथेंटिक सर्टिफिकेट हो, जिससे कि आपको वो सर्टिफिकेट बेनिफिट देकर जाए, ठीक है। तो आप अगर बिहार स्टेट के हैं तो वैसे भी आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपको एक प्लस पॉइंट ही देकर जाएंगे, चाहे आपका EWS सर्टिफिकेट हो। और ये EWS सर्टिफिकेट जो लास्ट में लोग बनवाते हैं, और कई लोग होते हैं जिनको रियल में EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है वो बनवा लेते हैं, पर कई फर्जी तरीके से बनवाते हैं। तो फर्जी तरीके वाले जो बनवाने का तरीका है उसको मत ऑप्ट करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से वही बात है, पता लग जाता है, फिर आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम है जो आपने दिया है, जिसमें शायद आप क्लियर हो चुके हैं तभी आप उस लेवल तक पहुंचे हैं, तो वो आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट बात जो ध्यान रखनी है वो यही है कि कोई भी सर्टिफिकेट हो वो आपको ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिक रूप से आपने उसको बनवाया हो, क्योंकि वो आपका, अगर आप ओरिजिनलिटी, जैसे अगर कोई OBC बिलोंग है, OBC को बिलोंग करता है, तो वो OBC सर्टिफिकेट ओरिजिनल रहेगा। पर अगर कोई जनरल कैंडिडेट को बिलोंग करता है और वो क्या है, वो OBC सर्टिफिकेट बनाएगा, तो वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी पे एक सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये सब सवाल ना खड़े हो, इसलिए ऑथेंटिक आप सर्टिफिकेट को बनवाएंगे।
और आप अभी तक बनवा चुके होंगे, ठीक है। तो जो टीआरई 3 वाले होंगे वो तो बनवा चुके होंगे, पर जो टीआरई 4 वाले हैं वो अपने सारे सर्टिफिकेट्स को अपडेट कराएंगे, देखेंगे सारे सर्टिफिकेट्स अच्छे से ओरिजिनल है कि नहीं है, नहीं है तो उसको वापस से जाकर जहां से भी बनते हैं वहां से आप उसको सही करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे। अभी आपके एग्जाम में समय है टीआरई 4 वालों के, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एटलीस्ट प्रॉपरली सब देख कर समझ कर बनाकर रख सकते हैं अपने पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स को। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो एक और मांग आ रही है टीआरई 3 वालों की तरफ से कि आपका जो वेरिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो, वो आपके एग्जाम से पहले हो, कि फाइनल रिजल्ट से पहले हो। मींस आपका ऐसा ना हो कि रिजल्ट निकल जाए उसके बाद जब आपकी नौकरी में नियुक्ति हो जाए, आप सब जगह गा चुके हो कि मेरा नियुक्ति हो गई, मैं सिलेक्ट हो गया या हो गई, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और फिर आपको आउट कर दिया जाए। तो उस लेवल से बचने के लिए पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात चल रही है, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में ऐसा होता है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी हो जाता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट निकलती है। तो यहाँ पर यही मांग है बीपीएससी से सारे कैंडिडेट्स की कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और फिर फाइनल रिजल्ट हो, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को भी सही तरीके से, अच्छे तरीके से आपको रखना पड़ेगा मैनेज करके, और ये आपको सबमिट करना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारी एक छोटी बातें थी पर काम की बातें थी, जिसमें डोमिसाइल आपका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा मेरिट के लिए भी और आपका सिलेक्शन के प्रोसेस में भी और आपकी सीट के लिए भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे, और साथ ही साथ टीआरई 4 वाले जो सारे कैंडिडेट्स हैं अभी वेट कर रहे हैं अपना कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, तो आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि देखो दिसंबर से पहले तो उनको सब कुछ करना ही करना है। तो यहाँ पर सारा प्रोसेस जो अब होगा वो फटाफट होगा, क्योंकि ये लेट हो रहा है रिजल्ट कुछ कारणों से, तो जो कारण है लेट होने के वो वहां पर आगे फिर कम समय देंगे। इसलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करते रहो, और यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई भी आपकी तैयारी में आपका सहयोग कर रहा है। यहाँ पर सारा कुछ कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस कि आपको जो पीडीएफ है वो फ्री मिलती है, कंटेंट आपको लेक्चर जो है वो फ्री मिलता है, बस आपको पढ़ाई करनी है और अपनी पढ़ाई को अच्छा बेहतर बनाना है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं, नई प्लेलिस्ट बना दी गई है बीपीएससी टीआरई 4 एडवांस लेवल साइंस, तो वहां पर जाकर आप साइंस के सेक्शन को चेक कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।